जब बीसीसीआई ने चंदा मांग कर दी थी, खिलाड़ियों की फीस हंसते थे विदेशी क्रिकेट बोर्ड, और 1911 में गायब हुई रहस्यमय तरीके से एक ट्रेन जो आज तक नहीं मिली। और सलमान खान है इतने करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक जानकर हैरान हो जाएंगे आप। और क्यों, इन फेमस सेलिब्रिटी ने अपने बच्चों को बॉलीवुड से दूर रखा है, कारण आपको हैरान कर देगा। और मोटर राइडर करते हैं इस सीक्रेट का इस्तेमाल, इसलिए बच जाती है खतरनाक क्रैश भी। जान जानने के लिए बने रहिए अंत तक। नंबर 12, दोस्तों सड़कों पर शादी या फिर किसी और अवसर पर आपको किन्नर जरूर देखने को मिलते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन्नर आखिर बनते कैसे हैं, और किन्नर का सेक्स ऑर्गन कहाँ और क्या होता है? किन्नर भी नॉर्मल इंसानों की तरह ही होते हैं, बस उनके सेक्स ऑर्गन में फर्क होता है और कुछ हार्मोन्स जो अलग तरीके से उनके अंडर डेवलप होते हैं। किन्नर तीन तरह के होते हैं, पहले वो जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन होता है, दूसरे वो जिनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और तीसरे वह होते हैं जिनमें दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, लेकिन इनमें सेक्स ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, यानी कि ना तो इनमें फीमेल के पूरी तरह से लक्षण होते हैं और ना ही मेल के। नंबर 11, बॉलीवुड के ऐसे वाहियात डायरेक्टर जिनकी फिल्में आप परिवार के साथ नहीं देख सकते, विवेक अग्निहोत्री, कश्मीर फाइल्स और वैक्सीन वॉर जैसी फिल्म बनाकर खुद को देशभक्त साबित करने वाले अग्निहोत्री एक टाइम पर हेट स्टोरी, जिद और उर्वशी जैसी ऐसी फिल्में बनाते थे जिन्हें कोई भी परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकता है। महेश भट्ट, अब इस लिस्ट में महेश भट्ट का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपनी फिल्मों के अलावा भी महेश भट्ट अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें बताने में भी लोगों को शर्म आती है। उन्होंने खुद एक बार कहा था कि पूजा भट्ट अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। एकता कपूर, बिना लॉजिक के सीरियल बनाने में एकता कपूर सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो इन्होंने गंध मचा रखी है। इनकी गंदी फिल्म वेब सीरीज आप फैमिली के साथ तो क्या अकेले में भी बिना हेडफोन लगाए नहीं देख सकते। राम गोपाल वर्मा जितने गंदे डायरेक्टर हैं उनकी हरकतें उससे भी ज्यादा गंदी है। यह पब्लिकली भी ऐसी हरकतें करते हैं जिन्हें लोग बंद कमरों के अंदर करने में भी शर्माते हैं। कांति शाह, बॉलीवुड के ऐसे डायरेक्ट हैं जिनकी मूवी में 3-4 मर्डर सीन और रेप जब तक ना हो इनकी मूवी कंप्लीट नहीं होती थी। उन्होंने बॉलीवुड को लोहा फिल्म दी है जिसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी डबल मीनिंग है कि लोग शर्मा जाएं। नंबर 10, दोस्तों इंडिया में रशियन लड़कियों को नौजवान बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और उसके कारण भी काफी हैरान कर देने वाले हैं। रशियन लड़कियां पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत और समझदार मानी जाती है। उनका लुक और फिगर बहुत ही शानदार होता है। जिस तरह इंडिया के लोग रशियन लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह रशियन लड़कियां भी इंडियन को काफी अच्छा समझती हैं। उनके अनुसार इंडियन लड़के काफी ज्यादा लॉयल होते हैं। काफी ज्यादा रशियन लड़कियां वृंदावन, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में रहती हैं, और बीते कुछ सालों में कईयों ने तो यहाँ शादी करके अपना घर भी बसा लिया है। रशियन लड़कियां काफी सारे इंडियन ट्रेडिशन को भी फॉलो करती हैं, अच्छी खासी हिंदी भी बोल लेती हैं, जिसके कारण इंडियन लोगों इन्हें काफी पसंद करते हैं। नंबर 9, सलमान खान की 10 सबसे महंगी चीजें। एक, बीच हाउस। सलमान खान के पास 20 एकड़ का एक बीच हाउस है जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। इस बीच हाउस के अंदर जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर और हेलीपैड भी है। 2, कार कलेक्शन। सलमान खान महंगी और लग्जरियस कारों के भी शौकीन है। उनके पास BMW, टोयोटा रेंज रोवर, लेक्सस और सबसे करंट कार 4 करोड़ की बुलेट प्रूफ निशान शामिल है। 3, प्राइवेट यॉट। सलमान खान ने साल 2020 में एक प्राइवेट यॉट खरीदा था जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। 4, पनवेल का फार्म हाउस। सलमान खान के पास 1.5 एकड़ का पनवेल में एक फार्म हाउस है जिसकी कीमत लगभग 130 करोड़ रुपए है। सलमान अक्सर खाली टाइम में छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। 5, बीइंग ह्यूमन ब्रांड। सलमान खान ने खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया था जिसका नाम बीइंग ह्यूमन है। आज उसकी ब्रांड वैल्यू 235 करोड़ की लगभग है, जिसमें कपड़े, ज्वेलरी और महंगी घड़ियां शामिल हैं। 6, गैलेक्सी अपार्टमेंट। मुंबई में जिस अपार्टमेंट में सलमान रहते हैं उसका नाम गैलेक्सी अपार्टमेंट है जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। यहाँ सलमान अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। 7, प्रोडक्शन हाउस। साल 2012 में सलमान खान ने खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था जिसका नाम सलमान खान फिल्म है, और इससे सलमान खान को हर साल 40 करोड़ रुपए की इनकम होती है। नंबर 8, साल 1911 में इटली के रोम से एक ट्रेन 106 पैसेंजर के साथ रवाना हुई, लेकिन आज तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस लग्जरियस ट्रेन को ट्रायल के लिए रोम से मिलान तक 484 किलोमीटर की दूरी
106 पैसेंजर जिसमें से 6 क्रू मेंबर शामिल थे रवाना किया गया। इस ट्रेन को उस समय की सबसे लंबी सुरंग लुम्बार्डी टनल के अंदर से होकर गुजरना था। यह ट्रेन टनल के अंदर तो गई लेकिन कभी बाहर निकली ही नहीं। जब टनल के अंदर देखा गया तो केवल 2 लोग मिले जो घायल थे, लेकिन ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं था। इस ट्रेन की काफी खोजबीन की गई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला और टनल के अंदर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था जिससे ट्रेन कहीं और जा सके। लेकिन कुछ साल बाद एक आदमी को 1840 का एक डॉक्यूमेंट मिला जिससे पता चला कि मेक्सिको के एक अस्पताल में 104 घायल लोगों को भर्ती किया गया था जो अजीब हरकतें कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि ये उसी ट्रेन से रोम से आए हैं और यह उसी तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे टनल के अंदर मिले वह 2 घायल लोग कर रहे थे। लेकिन अब सवाल ये था कि जो ट्रेन 1911 में चली थी वो समय में पीछे 1840 में कैसे पहुंच सकती है। और फिर कई सारी रिपोर्ट मिली जिनमें अलग अलग सालों में इस रहस्यमयी ट्रेन को यूरोप के अलग अलग शहरों में देखा गया जो अचानक गायब भी हो जाती थी। तो क्या इस ट्रेन ने टाइम ट्रेवल किया था? आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 7, बॉलीवुड की वो 5 एक्ट्रेस जिनके पति है अरबों के मालिक। सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर ने साल 2018 में आनंद आहूजा से शादी की थी। आनंद आहूजा की कुल प्रॉपर्टी 4733 करोड़ रुपए की है। शिल्पा शेट्टी, अपनी जीरो फिगर और खूबसूरती के कारण बॉलीवुड में मशहूर शिल्पा शेट्टी ने साल 2009 में राज कुंद्रा से शादी की थी। राज कुंद्रा एक बिजनेसमैन है और उनकी प्रॉपर्टी 2800 करोड़ रुपए की है। असिन ने अपने बॉलीवुड करियर में कुछ ही फिल्में की हैं। उन्होंने बिजनेसमैन राहुल शर्मा से शादी की है जिनकी प्रॉपर्टी 100 मिलियन डॉलर है और उनके पास एक 3 एकड़ का फार्म हाउस भी है। जूही चावला, 90 के दशक की चुलबुली और खूबसूरत अदाकारा जूही चावला ने मेहता ग्रुप के एंटरप्रेन्योर जय मेहता से शादी की है। जय मेहता की कुल नेटवर्थ 2300 करोड़ रुपए के लगभग है। ईशा देओल सनी और बॉबी देओल की बहन ईशा देओल ने भारत तख्तानी से शादी की है। इनकी कुल नेटवर्थ 165 करोड़ रुपए है। नंबर 6, दुनिया के वो 3 इंसान जिनकी फैन फॉलोइंग आसमान छूती है। तीसरे नंबर पर है ड्वेन जॉनसन जो कि दद राक के नाम से फेमस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत WWE से की थी। आज ये हॉलीवुड के फेमस एक्टर के साथ एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर भी है। अगर दुनिया में इनकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो उनके लगभग 39.80 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर है। दूसरे नंबर पर आती है काइली जेनर। काइली जेनर दुनिया की सबसे पॉपुलर महिला है और इसके साथ इन्होंने मात्र 21 साल की उम्र में यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बनने का रिकॉर्ड भी बनाया है। पूरी दुनिया में इनके लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा फैन हैं। और नंबर 1 पर आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें कौन नहीं जानता। रोनाल्डो एक पुर्तगीज फुटबॉल प्लेयर है और दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। आज के टाइम पर रोनाल्डो को पूरी दुनिया में 62.40 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों बताइए इंडिया में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग किसकी है। नंबर 5, आज दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI एक समय पर इतना गरीब था कि उसके पास खिलाड़ियों की फीस देने तक के पैसे नहीं थे। दोस्तों जब साल 1983 में भारत ने अविश्वसनीय तरीके से वर्ल्ड कप का खिताब जीता तब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हर एक खिलाड़ी को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। ये पैसे इतने कम थे कि कुछ खिलाड़ियों ने गुस्सा होकर इसे लेने से ही मना कर दिया और फिर BCCI ने इंडिया में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें लता मंगेशकर जी को बुलाया गया और यहाँ गाना गाने के लिए लता जी ने 1 पैसा भी चार्ज नहीं किया। और अब इस गाने को सुनिए जिसमें मेन वॉइस लता मंगेशकर जी की है और कोरस में 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सारे खिलाड़ी गा रहे हैं। इस इवेंट से लगभग 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे जिसमें से हर एक खिलाड़ी को 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिया गया था जिसकी आज के टाइम पर वैल्यू लगभग 19 लाख रुपए है। नंबर 4, दोस्तों आज से लगभग 2 महीने पहले अमेजॉन रेनफॉरेस्ट में कुछ बायोलॉजिस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े एनाकोंडा सांप की खोज की थी। इस एनाकोंडा की लंबाई 26 फीट और वजन लगभग 200 किलोग्राम था। इन बायोलॉजिस्ट के मुताबिक यह एनाकोंडा अभी और ग्रो करने वाला था लेकिन कुछ दिन पहले ही न्यूज आई कि कुछ लोगों ने इस एनाकोंडा को गोली मार दी है। और शायद अगर इस एनाकोंडा की डिस्कवरी नहीं हुई होती तो आज ये जिंदा होता क्योंकि लोगों ने केवल इसे लालच के कारण मार दिया। कुछ लोगों की बेवकूफी
और लालच के कारण इसी तरह से दुनिया में मौजूद रेयर प्रजाति के जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं और कई तो पूरी तरह से हो भी चुके हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। नंबर 3, दोस्तों आपने मोटो रेस में राइडर्स को खतरनाक तरीके से गिरते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सर्वाइव कैसे कर जाते हैं? दरअसल इसका राज इनके सेफ्टी इक्विपमेंट और इस सूट में छुपा हुआ है जिसे पहनकर ये राइडिंग करते हैं। ये राइडर पूरी तरह से प्रोफेशनल होते हैं और इन्हें ट्रेनिंग में हर एक चीज समझाई जाती है कि क्रैश के दौरान किस तरीके से गिरना है ताकि उन्हें कम से कम चोट लगे। इनका ये सूट कंगारू की खाल से बनी होती है जिसमें सेंसर, GPS और यहाँ तक कि इंटीग्रेटेड एयरबैग भी होते हैं जो राइडर के गिरते ही सूट के अंदर ही खुल जाते हैं जिससे इन्हें चोट नहीं लगती। इसीलिए तो राइडर गिरने के बाद बड़े मजे से मलाई की तरह रोड पर फिसलते रहते हैं। नंबर 2, जिस तरह सऊदी अरब में तेल की खोज होने से उसकी किस्मत बदल गई, अब उसी तरह बिहार के भी किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बिहार के समस्तीपुर में भी ONGC को ऑयल ट्रेसेस मिले हैं और उन्होंने 300 स्क्वायर किलोमीटर की जगह पर तेल निकालने की तैयारी भी कर दी है। ये ऑयल समस्तीपुर के पास गंगा बेसिन में मिला है और यदि यहाँ सफलतापूर्वक तेल निकालना शुरू होता है तो देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल बिहार बहुत ही जल्द अमीर राज्य बन जाएगा और हमारे देश की विदेशों पर तेल के लिए निर्भरता भी कम हो जाएगी। इसके अलावा बिहार के लोगों को बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उनके राज्य में ही इतना रोजगार उपलब्ध होगा। नंबर 1, हुस्न की मलिका होने के बाद भी बॉलीवुड से कोसों दूर है इन मशहूर सेलिब्रिटीज की बेटियां, रिया कपूर जो कि अनिल कपूर की बेटी है। वैसे तो बॉलीवुड में कपूर खानदान का राज चलता है, लेकिन रिया ने बॉलीवुड से हटकर फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाने का सोचा और 2017 में अपना एक फैशन ब्रांड लॉन्च किया। जूही चावला की बेटी जानवी मेहता भी काफी खूबसूरत है, लेकिन वो भी बॉलीवुड से दूर है। जानवी एक फेमस स्क्रिप्ट राइटर है और एक प्रोड्यूसर बनना चाहती है। नव्या नवेली नंदा जो अमिताभ बच्चन की बेटी, श्वेता बच्चन की बेटी है, अगर चाहे तो एक फोन कॉल से ही उन्हें कोई अच्छी फिल्म मिल सकती है, लेकिन फिल्मों से दूर वो अपने सोशल वर्क और ऑनलाइन हेल्थ वेबसाइट पर काम कर रही है। मिस्टर परफेक्टनिस्ट आमिर खान की बेटी इरा खान भी काफी हॉट है, लेकिन बॉलीवुड से काफी दूर है। उन्होंने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड निखिल सिखारे से शादी की है। बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर भी जाने माने सेलिब्रिटी परिवार का हिस्सा है, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है और उसी पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।